हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो कॉलेज यानी कि दो या मल्टीपल फ़ोटोज़ को एडिट कैसे कर सकते हैं एक ही फ़ोटो में, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन को यूज़ किए। तो ये देखने वाले हैं हम। और फिलहाल हमारे पास सैमसंग M11 मोबाइल है, तो मैं इसमें फ़ोटो एडिट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये फीचर्स सभी लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है। सैमसंग, MI, ओप्पो सभी मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है ये फीचर। तो सबसे पहले तो हमें गैलरी में जाना है, फिर कोई भी एक फोल्डर में जाना है, फिर हमें यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे क्रिएट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉलेज का ऑप्शन आता है, कंबाइन अप टू 6 इमेज, मतलब 6 इमेज हम कंबाइन कर सकते हैं एक साथ। तो फिलहाल हम इसको सिलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्रिएट का ऑप्शन। तो फिलहाल मैं 3 फ़ोटो को क्रिएट कर रहा हूँ कॉलेज। तो यहाँ पे कॉलेज इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे कॉलेज बन जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे ऑप्शन आता है साइज, यानी कि 9x16 ये रील की साइज़ भी ऐड कर सकते हो, ये थंबनेल की साइज़ 16x9। तो अभी फ़िलहाल इसमें ऐड करने वाले हैं हम। तो जैसे ही आपको अच्छी लगे ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करते, फिर यहाँ से हम राउंडनेस लगा सकते हैं, फिर इसको बॉर्डर भी आप कलर चूज कर सकते हो बॉर्डर का। तो ये सभी सेटिंग आ गए हैं इसके नए, और आप फोटो को सेपरेटली एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से आप फ़ोटो बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, दूसरा फ़ोटो डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से आप सेपरेटली एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप मिरर का इफेक्ट लगा सकते हो, इसकी साइज़, फिर यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो सेपरेटली कुछ एडिट करना हो, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लगाना हो, स्टिकर लगाना हो, लगा सकते हैं आप यहाँ से। तो कुछ भी टैक्स आप लगा सकते हो यहाँ पे, फिर आपको करना है यहाँ पे डन। जैसे ही डन करोगे इसमें ये टेक्स्ट एडिट हो गया। तो अभी आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है, जैसे ही आपको सेव करना हो तो यहाँ से सेव कर सकते हो, डायरेक्टली शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ सेव। अब जैसे ही सेव करोगे ये एक फोल्डर में सेव हो जाएगा जिसका नाम होगा कॉलेज। तो देख लेते, देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, उसमें ये सेव हो गया। सो बिना किसी एप्लीकेशन को यूज़ किए हुए हम फोटोज़ को ऐसे ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।